कई राज्यों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए 3 बाल अपराधी समेत 5 चोर गिरफ्तार, 12 लाख की नकदी बरामद की है। जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली पुलिस ने SOG और सर्विलांस टीम ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग में शामिल 3 बाल सहित 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के 12,93,000 रुपये के सोने व चांदी के आभूषण, 4 बाइक, 5 आईफोन, 2 चाकू बरामद किए हैं। ये गैंग हरियाणा व संभल में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। SP ने मामले का पर्दाफाश किया है। गया है, क्या है पूरा मामला? SOG सर्विलांस की टीम तथा थाना चंदौसी के द्वारा आज एक चोरों के गिरोह का खुलासा किया गया है। इसमें कुल 2 अभियुक्त, जिनके नाम गुड्डू और सूरज हैं, इनकी उम्र लगभग 19 वर्ष है, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। साथ में 3 बाल अपचारी भी इसमें पुलिस के पास आए हैं, जिनको उचित वैधानिक कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इनके पास से कुल 12,93,000 रुपये नकद, सोने चांदी के आभूषण, 4 नई मोटरसाइकिल, 5 आईफोन ये बरामद किए गए हैं। इनके द्वारा पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इनके द्वारा चंदौसी थाने में 2, हयातनगर थाने में 1 और हरियाणा जिले के पंचकुला सेक्टर 5 थाने में एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है। सेक्टर 5 जिला पंचकुला हरियाणा की जो चोरी है, उसमें 60 लाख रुपये चोरी होने की बात इन लोगों के द्वारा स्वीकार की गई है, और उसमें से काफ़ी पैसा इन्होंने अपने देखरेख में अपने घर परिवार वालों के ऊपर खर्च कर लिया। जो पैसा बचा हुआ है वो आज बरामद किया गया है। इनके पास से 2 अवैध चाकू भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ में इनके जो गिरोह के कुछ लोग हैं, जो अभी हरियाणा में गिरफ्तारी है तो शेष हैं, उनके लिए अंतर्राज्यीय टीम बनाकर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार ये अंतर्राज्यीय चोरों के गिरोह का गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने रुपये बरामद हुए? इनसे कुल 12,93,000 रुपये अभी बरामद हुए हैं, बाकी और के लिए प्रयास किया जा रहा है।